नमस्कार दोस्तों कर्मचारी यूनियन यूट्यूब न्यूज चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं दोस्तों वित्त मंत्रालय से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है दोस्तों जो 25 आठ दो हजार इक्कीस को लागू की गई है क्या पूरी खबर है दोस्तों हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके दोस्तों सभी पेंशनर्स इस वीडियो को जरूर देखें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर निकल कर आ रही है पच्चीस अगस्त को पाँच बजकर बीस बजे मिनट पर शाम को ये अपडेट दी गई है आप देख सकते हैं कि बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन को अंतिम आहारित वेतन के तीस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा जी हाँ दोस्तों तीस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के एन पी एस कोप्स में बैंकों का योगदान चौदह प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा क्या पूरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों हम एक बार विस्तार से देख लेते हैं बैंक कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के तीस प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है सरकार ने इस कदम, को, सरकार ने इस कदम से बैंक कर्मचारियों के प्रति परिवार पारिवारिक पेंशन तीस हजार रुपये से पैंतीस हजार रुपये तक हो जाएगी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने आज मुंबई में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों इसकी घोषणा की है सचिव ने बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर ग्यारहवें द्विपक्षीय समझौते में जिस दिन इंडियन बैंक एसोसिएशन आई ने ग्यारह नवंबर दो हज़ार बीस को यूनियनों के साथ हस्ताक्षर किए थे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था इसे स्पीकर इसे स्वीकार कर लिया गया था उन्होंने बताया कि पहले इस योजना में पेंशन भोगी की अंतिम आहत जो वेतन है उसका पंद्रह से बीस प्रतिशत और तीस प्रतिशत का स्लैब था इसकी अधिकतम सीमा नौ हज़ार दो सौ चौरासी रुपये थी लेकिन अब जो सभी है उसका जो लास्ट वाला वेतन है उसके तीस प्रतिशत कर दिया गया है यह बहुत ही मामूली राशि थी जो नौ हजार थी जिसके बारे में वित्त मंत्री श्रीमती निर्तारमन चिंतित थी और चाहती थी कि इस इसे संशोधित किया जाए ताकि बैंक कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को जीवन यापन के लिए एक बेहतर राशि मिल सके इसी के साथ दोस्तों सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा दस प्रतिशत से बढ़ाकर चौदह प्रतिशत करने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दे